मिलाना फिक्री अपडेट करने का शुक्रिया। इसी तरह संजावी गिरदो नवाह में मुसलसल तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। संजावी की आवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस पर मजीद बात करेंगे संजावी में हमारे नुमाइंदे ख्याल मोहम्मद दोमर से। ख्याल मोहम्मद बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिंजावी और गुर्दनवा में आलिया मानसून तूफानी बारिशों का सिलसिला रुक चुका है और बारिशों का सिलसिला रुकने के साथ ही बारिशों और तूफानों से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई है। इस वक्त मैं तहसील सिंजावी की म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 कली शरीफ आबाद में मौजूद हूँ। इस किली की कुल आबादी 3000 से ज़ायद है। यहाँ पर सैलाबों और तूफानी बारिशों ने शदीद तबाही मचा दी। यहाँ की जो हवा में अभी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि यहाँ पर मेरी इलाका मुखियों से जब मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था कि सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया ने इनके साथ कोई ताउन नहीं किया है। यहाँ की आवाम खुले आसमान तले जो इनके बच्चे है खवातीन है खुले आसमान तले पड़े हुए और इनको राशन की भी शदीद जरूरत है। इनको न ही राशन फराम की गई और न ही खेमे फराम की गई। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान और मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर रिलीफ का मुतालिबा किया है। जी जी बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। नाज़रीन सिंध भर में बारिश